जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, हमारे नेता मनीष जी का सवाल है, कल सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने वाली थी, जितने भी उस मुकदमे में अभियुक्त थे, कथाकथित अभियुक्त, सबको बेल मिल गई, मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलने वाली थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करने का और बेल देने का विचार बना लिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते सीबीआई ने अपने वकील को ही पेश नहीं किया, वकील को ही पेश नहीं किया और वकील को कहा कि आप छुट्टी पे चले जाओ। वकील पेश नहीं हुआ, उसके चलते 11 दिन बाद की तारीख पड़ गई कि 11 दिन और आप सीबीआई की जेल, सीबीआई की कस्टडी में बिताइए, और यह कम था तो सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना लिया। सेम केस, सेम फैक्ट्स, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम सबूत, सेम रेड, बस कभी एक एजेंसी पकड़ लेती है, कभी दूसरी एजेंसी पकड़ लेती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एजेंसी एजेंसी खेलकर विपक्ष को बर्बाद कर रही है, विपक्ष को खत्म कर रही है, और मकसद बड़ा साफ है कि इस देश को वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर में तब्दील कर दिया जाए, इस देश में और कोई नेता ना बचे, और लोकतंत्र भारत देश का एक तंत्र में तब्दील हो दिया जाए।